बैगन काट के आटा मिला के रखे हैं। अब इसको ऐसे करके ये अपने लिए स्पेशल बैगन की पकौड़ा बना रही हूँ। अब पकौड़ा डालते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरह से अभी नहीं पकी है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीनू अजय ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज मैं इसके बनाने वाली हूँ पकौड़ा। तो देख पा रहे इस टाइम ब्लॉग की बहुत मुश्किल से पाई हूँ मैं, मुझे मिला है तो मैं इसको पहले छीलूंगी। दोस्तों आज पहली बार गांव में गैस से पकौड़ा बनेगा। इससे पहले ऐसे बनता था, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन आज गैस से बनाने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धुआं से बच जाऊंगी। लौकी लौकी ये देख पा रहे इस तरह काट ली। अब इसको छील लेती हूँ। हाँ बेटा देख पा रहे बहुत परेशान कर रहा है, इसको पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। दोस्तों देख पा रहे हैं लौकी इस तरह फाड़ लिए हैं। अब इसको गोरेंगे और हमारे बेटा छुड़ा रही है। दो 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 देखना ना, इसको ऐसे करते ना बेटा। दोस्तों देख पा रहे ऐसा इस तरह से गोरेंगे, तरह से निकल रहा है देख पा रहे हैं। इसी तरह से पूरा लौकी गोर लेना है। देख पा रहे लौकी अच्छे से गोरा गया है, छोटी छोटी इतना सारा निकला है। अब इसमें मैदा डालूंगी। देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहे हैं इस तरह से। और दोस्तों इतना सारा डालूंगी मसाला। पहले डालूंगी नमक, उसके बाद डालूंगी मिर्चा पाउडर, डाल देते हैं थोड़ी सी मसाला। दोस्तों सब कुछ मिक्स कर लिए हैं, अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। दो नमक है काला नमक, सब अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों देख पा रहे अच्छे से मिला लिए और पुत्र हमारा बाहर है, जो करे पुत्र जाने। अच्छे से मिल गया, देख पा रहे हैं फेंट दिए हैं इसको। नहीं थी काला नमक तो आज पाई है, तो देख पा रहे कितना बड़ा जीव निकाल पा रही है। दोस्तों देख पा रहे हैं फेंट लिए हैं। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं गैस चालू। सबसे पहले गैस चालू कर लेते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं, पानी पोंछ देती हूँ कढ़ाई को। दोस्तों देख पा रहे हैं कढ़ाई का पानी जो है सूख चुका है। अब तेल डालते हैं। दोस्तों डाल देते हैं तेल स्टार। कढ़ाई से में चाउमीन बनी थी इसलिए जली हुई है। आधा लीटर पूरा तेल डाल दिए हैं, अब ये गरम होगा। दोस्तों पहले चेक कर लेते हैं कढ़ाई गरम हुई कि नहीं। अभी कढ़ाई गरम नहीं हुआ है अच्छे से। दोस्तों कढ़ाई गरम हो रही है, तब तक बैगन काट लेती हूँ क्योंकि बैगन का ही पकौड़ा बनाऊंगी। तो दोस्तों बैगन का पकौड़ा सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लौकी की पसंद नहीं है, इसलिए इतने मेरा हो जाएगा। दोस्तों देख पा रहे हैं गरम हो चुका है हमारा कढ़ाई। अब पकौड़ा डालते हैं। दोस्तों देख पा रहे कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म है इसलिए मस्त पक रहा है, कितनी अच्छी दिख रही है। टेस्ट जैसा हो पता नहीं। दोस्तों मम्मी भी काम करके आ गई हैं, अभी पक रहा है, पक जाएगा सबको टेस्ट करवाऊंगी। दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरह से अभी नहीं पकी है।
दोस्तों पकौड़े कलर बहुत अच्छी है, खाने में जैसा हो। दोस्तों हमारा पकौड़ा देख पा रहे हैं अच्छे से पक गया है, अब इसको निकालेंगे। कलर इतनी प्यारी है, बहुत सुंदर दिख रही है, पक भी गई है अच्छे से। दोस्तों देख पा रहे हैं इतना पक गया है, इसको दे रहे हैं प्लेट में निकाल के, देखते हैं कैसा टेस्ट है, अच्छा है कि नहीं। इतना ही 10 रुपये प्लेट लीजिए। तो गाइस आज बना है लौकी का पकौड़ा, कुछ इस तरह देख पा रहे हैं, काफ़ी प्यारा यूनिक कलर लग रहा है दोस्तों। और फिलहाल हमारी जो है धर्म पत्नी बनाई है, यहाँ पे बना रही हैं देख पा रहे हैं। तो फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा बना है, और इनको बताते हैं कैसा। तो ये देख पा रहे हैं बढ़िया गर्म गर्म दोस्तों पकौड़ा है। तो गाइज घर में फर्स्ट टाइम जो है गैस से खाना बन रहा है, मतलब कि पकौड़ा, तो बहुत मज़ा आ रहा है खाने में एकदम। लेकिन गाइज एक बात ज़रूर है कि लकड़ी का खाना और गैस का खाना थोड़ा डिफरेंट है, मज़ा नहीं आता गैस में उतना ज़्यादा नहीं मज़ा। दोस्तों देख पा रहे हैं लौकी का पकौड़ा बन चुका है, अब बैंगन की पकौड़ा बनाऊंगी। बैंगन काट के आटा मिला के रखेंगे, अब इसको ऐसे करके ये अपने लिए स्पेशल बैंगन की पकौड़ा बना रही हूँ। दोस्तों मेरे बैंगन की पकौड़ी इधर पक रही है, पहले टेस्ट पूछ लेती हूँ। बताए मम्मी कैसा है? अच्छा है। अंश तुम बताओ कैसा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, हाँ, सही अच्छा लग रहा है। दोस्तों देख पा रहे इतना सुंदर कलरफुल पकौड़ा और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैं सबसे पूछी यदि आप लोग जब भी बनाएं तो इसी तरह से गोर के बनाएं, और जो बैगन वाली है उसको हमेशा इस तरह से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, गोर के बनाओ तो उतना मीठा नहीं लगता। दोस्तों सब लोग खा चुके हैं, पापा भी नहीं खाए हैं तो इसको दे देते हैं, तो उधर खाते रहेंगे। इसको मैं खाऊंगी, ये थोड़ा सा खा चुकी हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ अभी खाऊंगी कुछ सवेरे खाऊंगी। दोस्तों देख पा रहे हैं सब लोग खा चुके हैं पकौड़ा लौकी वाली, अब मैं खाती हूँ बैगन वाली पकौड़ा। मस्त बनी है लौकी वाली से अच्छी बैगन वाली लगती है, और वो भी यदि चकली चकली बनी तो।